अस्सलामुअलैकुम। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं चिकन रिजाला, जो बहुत ही टेस्टी होता है। चलिए देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। हमको चाहिए 1 kg चिकन, जो हमने इसको वॉश कर लिया अच्छे से, 1 बड़ी कटी पुदीना यानी मिंट, 3 बड़ी अनियन जिसको हमने पीस लिया है, 1/2 कप दही, 1 teaspoon लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 teaspoon धनिया, 1/2 teaspoon हल्दी, 1 teaspoon साल्ट, 1 teaspoon सेसम सीड्स यानी सफ़ेद तिल, मगज़, 10 से 11 हरी मिर्ची लिए हमने, क्योंकि हम लाल मिर्ची नहीं डालेंगे तो हमको हरी मिर्ची डालना है, और 1 कटी हमको हरा धनिया चाहिए, जो हमने इसको भी धो के रख दिया है। चलिए बनाते हैं हम चिकन रिजाला। सबसे पहले हम एक कुकर लेंगे, उसमें हम चिकन को बॉईल करेंगे। ये देखिए, हमने पूरा चिकन डाल दिया है। 1/2 teaspoon इसमें नमक डाल देंगे, 5 नमक को अच्छी तरह से हम मिला देंगे सारी चिकन में। और 1 कप हम पानी डाल देंगे इसमें। हम इसका फिर ढक्कन लगा के इसको कम से कम 1 विसल आने तक, फिर फ्लेम को 2 मिनट तक स्लो कर देंगे, फिर बंद कर देंगे। हमारा मतलब ये है कि चिकन जो है हमारा थोड़ा सा गल जाएगा। अब हम एक बर्तन लेंगे जिसमें हमको चिकन बनाना है। चिकन हमारा क्योंकि 1 kg है तो हम ऑयल भी ज़्यादा लेंगे। 2 बड़े चम्मच हम ऑयल लेंगे। आप ऑयल भी ले सकते हैं, अगर आप घी में बनाते हैं घी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, 2 बड़े चम्मच हमारे ऑयल हो गया है। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम तेज़पत्ता डाल देंगे, बेली, और ये जो हमने अनियन पीसी थी उसको ऐड कर देंगे। अनियन में हम चम्मच चलाते रहेंगे। ये देखिए, जब तक हमारी अनियन हो रही है, अब हम जो हमने ग्रीन चिलीज ली हैं 10-12, पुदीना और हरा धनिया, ये देखिए हरा धनिया डाल लिया। और ये मिंट सबको हम मिक्सी में डाल के पीस लेंगे, और इसी के अंदर ही हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, और इसमें ही हम दही को भी ऐड कर देंगे। चारों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। और हमने जो तिल लिए हैं और मगज, उसमें भी थोड़ा सा पानी डाल के उसको भी पीस लेंगे। के देखिए, पीस गया ये हमारी चारों चीज़ें। के देखिए, ये भी अच्छे से हो गया है। हमारी विसल्स आ गई और हमने उसको हटा दिया है। अब हम एक फ्राई पैन लेंगे, एक
बड़ा चम्मच हम ऑयल डालेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा उसमें अनियन डाल देंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। ये जो हम अनियन फ्राई कर रहे हैं ये हम लास्ट में डालेंगे। इसको क्रश करके हम लास्ट में अपने रिजाला के में डालेंगे। देखिए हमारी अनियन हो गई है ब्राउन। अब इसको हटा लेंगे हम और फिर अपने मसाले की जो अनियन है उसको भूनने लगेंगे। अब ये हो गई है, ये देखिए सूख गई है ये। अब इसमें हम गार्लिक और जिंजर का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। कम से कम 2 मिनट तक इसको भी भूनना है ताकि जो इसके स्मेल है वो चली जाए। और हम सूखे मसाले ऐड कर देंगे, हल्दी, नमक और पिसा धनिया। इसको भूनेंगे कम से कम इसको 15 से 20 मिनट तक। थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के हमको इसको भूनना है। ये देखिए हमने थोड़ा पानी डाला है। क्योंकि इसमें रेड चिलीज तो डालेगी नहीं, सिर्फ कोरिएंडर ही डाला है हमने और भी ड्राई। जितना ये भुनेगा उतना ज़्यादा टेस्टी बनता है रिसाला। ये देखिए अब हमारी जो मसाला था वो भुन गया था और जो हमने वो धनिया पुदीने का मिक्सर तैयार करा है वो हमने ऐड कर दिया है। और इसमें ही हम वाइट जो हमने पीसा मगज और तिल का मिक्सचर वो भी डाल देंगे। ये जो मिक्सर हमने तैयार करा है मगज का और तिल का, इसके अंदर आप चाहें तो काजू भी फ्राई करके उसको भी पीस के आप डाल दें तो और बढ़िया बनेगा। अब हमको ये जो हमारा ग्रेवी बन गई है इसको कम से कम 15 मिनट तक इसको अच्छे से भूनना है। ऑयल जो है ऊपर आ जाता है। अब ये हमें इतने 15 मिनट हो गए थे, इसके बाद जो हमने बॉइल्ड चिकन है उसको हम इस ग्रेवी के अंदर डाल देंगे। पूरा चिकन हम डाल देंगे इसके अंदर और चिकन डालने के बाद भी हम इसको कम से कम 5 से 7 मिनट तक इसको भूनना है अच्छी तरह से। और थोड़ा थोड़ा हमें जो इसके चिकन का जो सूप निकला है वो थोड़ा थोड़ा डाल के इसको भूनते रहेंगे। अब इसको हम बिल्कुल मिक्स कर देंगे, चिकन और ग्रेवी को अच्छी तरह से मिला देंगे। पाँच से सात मिनट हो गए हैं चिकन को पकते हुए। अब इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे पिसा हुआ 1 टीस्पून और इसको अच्छी तरह से पूरी ग्रेवी में मिला देंगे। अच्छी तरह से और फिर इसको ढक के हम रख देंगे। फ्लेम जो है हमारी स्लोई होनी चाहिए। ये देखिए 3 से 4 मिनट के बाद हम इसको ओपन करेंगे और इसमें थोड़ा सा जो हमारा सूप निकला था चिकन जो बॉईल करा था वो सूप डाल देंगे।
ये देखिए हमने 3 मिनट के बाद जब इसको खोला है तो हमारा रिसाला बिल्कुल रेडी है, क्योंकि ऑयल जो है ऊपर आ रहा है। ये देखिए, इसका मतलब होता है रिसाला बन गया है। अब हमें फाइनल में एक चीज़ और ऐड करनी है, फ्राइड अनियन। इसको हमने क्रश कर लिया है और इसको पूरी ग्रेवी में डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे पूरी ग्रेवी के अंदर। दो मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे और फ्लेम बंद कर देंगे। अब देखिए हमारे रिसाले को, अब इसके अंदर हम ग्रीन चिलीज डाल देंगे जो साबुत है, हमने बीच में से जीरा नहीं लगाया है। ये देखिए बिल्कुल बन गया हमारा रिसाला। ये देखिए, अब हम अपने रिसाले को सर्व कर देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।